लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। आज तक हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जैसी कोई सेकुलर मंत्री मैंने नहीं देखी जो इतने बड़े पद पे और लोगों को लेके चल रही है। यहाँ कोई भेद नहीं है। आज भी हमारा बंगाल बड़े सुकून में है, बड़े अमन में है, शांति में। लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपने नस्ल को कौन सा बंगाल दूंगा, कि जब सोच मेरे दिमाग में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो। क्योंकि जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, अगर वही चीज बंगाल में दोहराई जाती है तो ये बंगाल जो है खून से लबरेज हो जाएगा। यहाँ 30% मुस्लिम आबादी भी रहती है। ये वो टकराव है जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जमीन की आवाज है कि इस वक्त मोहतरमा ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए हैं तमाम लोगों पर, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप पर तो फर्ज हो रहा है कि जो इस वक्त उस गेरुआ ताकत को रोकने की ताकत रखता है उसके हाथों को मजबूत करें, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करें ताकि इस किले को बचाया जा सके। और जो लोग इसमें आकर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मेरा मैसेज है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ हम किसी भी हद में, मेरे पूरे साथी मेरे साथ ताकत से खड़े हुए हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने एक मशवरा मांगा था, आपने कहा था कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा। एक इंटरव्यू में आपने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल जाने से पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा। मैं आपसे ये कहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, मैं आपको ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी राय है साहब कि बंगाल में अपना आए, बंगाल में ना आए। बंगाल में इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपने इरादा कर दिया है तो इंशाअल्लाह ताला ये ताकत आपको रोकने के लिए खड़ी हुई है।